जीजा जी नहीं है। हाँ तो फिर अरे आप ही ने तो कहा था कि मेरे जीजा जी दम कार्टून दिखते। एक काम करो, जहाँ तक नजर जाए ना वहाँ तक लगा दो। लेकिन खर्चा इतना करने की क्या जरूरत है? खर्चे की चिंता तुम क्यों करते हो? मेरे इकलौते भांजे की शादी है, खर्चा देने वाले बैठे हैं मेरे जीजा जी। देखिए कितना सजा धजा हूं मैं, आश्चर्यचकित मत होइए। शादी में जा रहा हूं, टप्पू की शादी। आप सोच रहे होंगे मैं जा रहा हूं टप्पू की शादी में? इतना बड़ा लेखक बाल विवाह में शरीक होने जा रहा है? क्या करें साहब, निमंत्रण नहीं सचमुच धर्म संकट है। क्योंकि अगर मैं शादी में चला जाता हूं तो ये सिद्धांतों के साथ समझौता होगा मेरे, और नहीं जाता हूं तो मित्रता की कसौटी पर खरा नहीं उतरूंगा। चंपक चाचा ने और दया भाभी ने मिलकर सारी सोसाइटी को मना लिया है शादी में आने के लिए, लेकिन मैं कैसे चला जाऊं? मेरे सामने बाल विवाह होते देख लूं, ये तो संभव नहीं है। लेकिन क्या करूं, जेठालाल की मित्रता आड़े आ गई, अब जाना ही पड़ेगा। सिद्धांत आज मित्रता के सामने फीके पड़ गए, क्या करूं? दोस्ती कुछ ज्यादा ही गहरी है ना। ये तो अच्छा हुआ कि अंजलि अपने कजन की शादी में भोपाल गई हुई है, वरना उसको मनाना एक बहुत बड़ा संकट हो जाता। खैर चलिए, मैं तो अपनी दोस्ती ने मिला। लाल आज तो क्या बात है, उमर की गाड़ी रिवर्स में। हाँ आज टप्पू के ससुराल वाले तुम्हें ही दूल्हा राजा न समझ बैठे। अरे अकाई का राजा, ये बापू जी की वजह से मैं तो फटा हुआ बाजा हो गया हूँ। अरे यार ये शादी है कोई, अभी हो गया ना, अभी एंजॉय करो। क्या एंजॉय, मस्त रहो। क्या मजा आता है देखो तो इनको उछल उछल के नाचने में। इधर जान मेरी चली गई है, कितना खर्चा हुआ है मालूम है मेहता साहब? कितना हुआ तू दे रहा है? ये क्या है? टप्पू का शादी है। तुम शादी में स्लीपर पहन के आए हो? वो क्या है बबीता, ये चूड़ीदार पर शूद अच्छा नहीं लगेगा ना। शादी में चूड़ीदार के नीचे मोजड़ी पहनते, समझे? अब नीचे कौन देखता है? मुझे कुछ नहीं पता, कहीं से भी नई मोजड़ी लेके आओ और यहाँ पे पहन के आओ। अगर नहीं मिला तो शादी में आता ना मेरे साथ। Oh my God, टप्पू क्या हैंडसम लग रहा है। ओ खुदाए, सच्ची ये कितना सज्जो लग इतनी। ओगो भाई, दया भाभी की साड़ी देखो, चक्का चक। मुझे बहुत खुशी हो रही है, चलो अच्छा है इसकी शादी हो रही है, वरना बड़ा होके मेरी सोनू से शादी कर लेता। वाह सेठ, कितने अच्छे लग रहे हैं आप। नहीं छोटे सेठ के बारे में कह रहा हूँ, नहीं नहीं नंदा वो राजा कितना सारा लग होता। तो नाचो। दूल्हा आ गया दूल्हा, अब इतना जोर से बजाओ, इतना जोर से बजाओ कि पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि ये चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा के पोते टप्पू की शादी है।
कुरा थई भी है कुरा अरे क्या कुरा 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 कौन था किसने धक्का मारा मुझे अरे शिवजी को धक्का किसने मारा कौन सेंस है को तरीका है नाचने का शादी में ऐसा है ओ दूल्हे का बापू में ऐसा हालत करते है इसमें और डाल दिया सीधा मेरा सर उसमें ये भाई है जेठिया ऐसा होता रहता है चल अभी छोड़ ए चलो चलो मेरी भी शादी करा दो ना प्लीज वो पहले नाच फिर बाद में चल जा नाच चल भाई जी भाई जी। कुछ भी कहो सजावट बिल्कुल आपके रुतबे के मुताबिक हुई है ऐसी कोई बात नहीं भगवान की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि मेरी बेटी की शादी बहुत बड़े घराने में हो रही है हमारा क्या है ये हवेली है और तीन चार छोटी मोटी हवेलियां है ऐसा है ना कि भगवान की मेहरबानी से सब कारोबार ठीक ठाक चल रहा है एक सेकंड ना फोन हेलो डीजी साहब मुझे सिर्फ दो दिन की मोहलत दीजिए वो हवाले वाले केस की बात हम बाद में शांति से करेंगे आप वो सब झंझट छोड़ दिए वो टेंशन आप रखे ही नहीं पहले मेरी बात सुनिए आप यहाँ फैमिली के साथ कब आ रहे हैं मैंने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को न्योता दिया है फिर ऐसा मत के ना कि मैंने पुलिस वालों की खातरदारी नहीं की जी 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 DIG का फोन था मेरा खास दोस्त है क्या बात है तमिला बहन ओहो आज तो बहुत सुंदर लग रही हो रियली ऐसा लगता है आपकी बेटी की शादी नहीं आपकी शादी है थैंक्स एक्सक्यूज मी बाकी सब कैसे क्या बात है बारात अभी तक नहीं आई बस आती हो गई अंकल बारात आ गई चलो 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 लाइए पंडित जी आइए आइए न
मेहता साहब, टप्पू की सास टप्पू का नाक ना खींचना, वो देखते रहना। अरे कैसे खींचेगी वो सोड़ी, आ उठा ले टप्पू को गोद में। संभाल के सोड़ी, संभाल के है, कुछ नहीं होगा। अब कैसे खींचेगी नाक। कर रहे समधन जी, ये दूल्हा ऊपर है, मेरी आरती क्यों उतार रहे? पता है समधी जी। आओ जमाई राजा। अरे भाई इन्हें नीचे तो उतारो, मुझे अपने जमाई को टीका करना है। टीका करना है कि उसकी नाक खींचनी है? देखिए नाक तो खिंचानी पड़ेगी। एक बार हमारे यहाँ दूल्हे ने नाक नहीं खिंचाई थी तो दूल्हे के पापा को घोड़े ने लात मार दी। नहीं नहीं, अरे हमारे दूल्हे का बाप इतना कमजोर नहीं है, हम इन चीजों में यकीन नहीं रखते, क्यों बोलो? नहीं रखते। अच्छा तो अरे आपने मेरी नाक क्यों खींची? आप दूल्हे के पापा है ना, तो इसीलिए खींची। और वैसे भी हमारे यहाँ दूल्हे के पापा की नाक खींचने का रिवाज है। अच्छा तो हमारे में क्या है, समधन का कान खींचने का रिवाज है। नटखट। आई डोंट माइंड समधी जी। क्योंकि आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। बैठ जाओ। बैठो। तुझे ओ पंडित, तुम क्या देख रहे हो भाई, जल्दी फटाफट करो, जो करना है वो, ये शादी की विधि जो भी है फटाफट करो, टाइम नहीं हमारे पास। या भाई ए, फटाफट, तेरी शादी हो गई तो अब सब फटाफट। इसमें मेरी शादी कहाँ बीच में है बापू जी? बाबू चक कहीं का। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है, जा जाकर देख कर आ, बारातियों की खातिरदारी बराबर हो रही है कि नहीं, जा। ये बारातियों की खातिरदारी कौन देख रहा है? वो उधर काड़ूबा खड़ेल है, उसको जाके पूछो, समझा? गया नहीं? जा रहा हूँ बाबू जी। इतना प्यारा डेकोरेशन है ना। अब कन्या को बुलाइए। अब पंडित जी वो कार्टून फिल्म देख रही है, है? बस खत्म होते ही आ जाएगी। हाँ देखो ना, बहुत खूबसूरत देखा है। अरे आप यहाँ हैं, वो आपको वहाँ ढूंढ रहे हैं। अरे सोचिए मत, जाइए जल्दी, वो कब से परेशान हो रहे हैं, जल्दी। बबीता जी। हाय जेठा जी, कैसी है? जी बिल्कुल ठीक। आज सुबह से आपको देखा ना, तब से एक बात कहने को मेरा दिल दया के गर्भ की तरह उछल रहा है। अरे दया कहाँ बीच में आ गई? दया जी की नहीं 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 नहीं, दया को मिटा दीजिए, मतलब दया को भूल जाइए, दया की नहीं, मेरी मेरी बात। बात ये है, सच कह रहा हूँ, मेरी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक दुकान की कसम खा के कह रहा हूँ, जो मेरी रोजी रोटी है उसकी कसम खा रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, एकदम दिल से कह रहा हूँ। कौन सी बात बताइए ना। यही कि आज आप
सच बता रहा हूँ एकदम, आप आज आइटम लग रहे जी। नहीं नहीं गलत शब्द आ गया, आइटम को मिटा दीजिए, भूल जाइए आइटम नहीं वो आप। हाँ आज आप एकदम परी लग रहे, पंख नहीं है खाली बस। रियली? हाँ एकदम। वैसे आज मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। मैं भी आपसे क्या? बबीता यार रुका, यार रुका जेठालाल, टैक्सी वाले को पैसा देना है, मेरे पास छुट्टा नहीं है। क्या आप रुको, मैं देता हूँ। अरे आप रहने दो जेठालाल, चलो तुम चलो। अरे आज बबीता जी आपसे क्या कहना चाह रही थी। ए भाई यहाँ पर आओ तो मेरे वीरा को जरा ठंडा बंडा पिलाओ। पियो। अरे क्या हुआ वीरा? बेना ये ठंडा तो बहुत ठंडा है। ओ वेटर भाई इसको जरा गरम करके लाओ, जाओ। अरे आप देख क्यों रहे हो? मैं दूल्हे की माँ हूँ, मैं जैसा कहूँ ना वैसा ही करो, जाओ। अरे टप्पू देखो टीना आ गई। करते आ गई टप्पू की टीना, प्यारी सी बच्ची। अरे भाई इनसे पूछे कोई, शादी क्या बच्चों का खेल है, बाल विवाह करेंगे? लेकिन चंपक चाचा जैसे लोग जो इसके पक्षधर हैं, वो कहते हैं कि भाई आजकल के लड़के लड़कियां माँ बाप की इजाजत के बिना शादी कर लेते हैं और फिर शादी तोड़ भी देते हैं, क्या ये कोई खेल है? लेकिन सच पूछिए साहब, इसका इलाज बाल विवाह तो नहीं है कि माँ बाप की इजाजत लेके शादी कर लेंगे? लेकिन ये सब बातें बाद में, क्योंकि अभी तो शादी होने वाली है। लेकिन ये शादी क्या हो पाएगी? अभी भी शादी हुई नहीं है, होनी बाकी है, और होने और होने वाले के बीच में बहुत बड़ा फासला होता है। अब इस फासले में क्या होता है छोड़िएगा मत, अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना, तो चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।